बोला तो क्या टाइम लैप्स आता था इसका? अरे खुशबू आती, आप ही दिमाग कुछ और सोचो उसके लिए। वेफर और इसके साथ ये चटनी, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। सीएस कर रहा हूं, बीकॉम कर रहा हूं, तो वैसे मैं। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, आई होप यू आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। अभी सुबह के बज गए हैं 5:45, उठने का विचार था 5 बजे, लेकिन उठते उठते बज गए 45 हो गए, तो अभी कोई नहीं। ये आवाज सुनो, इंस्टाग्राम पे डीएम कर रहे थे, व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर रहे थे मेरे दोस्त, तो वो लोग बोल रहे थे भाई तू सीएस कर रहा है, बीकॉम कर रहा है, तो साथ में जरा यूट्यूब कैसे मैनेज हो रहा है, मतलब टाइम टू टाइम कैसे ब्लॉग डाल रहा है। और ये बंदे ने भी कमेंट किया था, तो उसने पूछा नहीं था, उसने बोला था भाई इतने टाइट स्केड्यूल के बाद भी तुम अपलोड कर रहे हो रेगुलर होके। तो अभी मैंने सोचा कि टॉपिक तो अच्छा है, तो इसके ऊपर वीडियो बनाने जैसे, तो इसलिए मैंने आप सबको इंस्टाग्राम पे पूछा था। तो जो लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते, कर लो भाई, ऐसे पोल्स डालता रहता हूँ मैं आपके सजेशंस के लिए। तो ये रहा वो रिज़ल्ट, ये था, तो सोचा कि ठीक है कर लेते, मज़ा आएगा मुझे भी और आप लोग को भी, थोड़ा चलेगा कैसे सब मैनेज हो रहा है। 7:30 को मेरे कॉलेज के लेक्चर्स हैं, 7:30 to 11:50, तो तब बीकॉम का हो जाएगा पढ़ के, बिकॉज बीकॉम में जो टैक्स है वो सीएस जैसा ही है, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आती है, बाकी सब लेक्चर्स में मैं ध्यान देता हूँ एकदम अच्छे से, तो मैनेजेबल हो जाता है। तो ठीक है, आगे आगे जैसे दिन चलते हैं वैसे वैसे मैं आपको बताऊँगा। तो अभी मैं पढ़ रहा हूँ डायरेक्ट टेक्स, तो 6 to 7:30 डेढ़ घंटा डायरेक्ट टेक्स पढ़ेंगे, उसके बाद कॉलेज। चलो तो मेरा एक चैप्टर पूरा हो गया और दूसरा चैप्टर आधा हो गया, और अभी इट्स 7:28, तो 2 मिनट में मेरे कॉलेज के लेक्चर है, तो उसमें भी लॉगिन करना है। 10 बजे को ब्रेक मिलेगा, नहीं सॉरी, अभी डायरेक्ट 10:20 को ब्रेक मिलेगा, 10:20 to 10:50। देखो क्लाउड्स क्या मस्त दिख रहे, अगर मैं टेरेस पे होता तो क्या टाइम लैप्स आता था इसका। जो ठंडी लगनी चाहिए वैसी कुछ ठंडी है ही नहीं, तो ठीक है चलो देखते हैं कॉलेज के लेक्चर्स। फ्यू मिनट्स लेट, इट्स 9:30 और मेरे 2 लेक्चर्स देख के हो गए और 2 बाकी है, 9:30 वाला लेक्चर बाकी है, लेकिन मैं सब तो लगाए नहीं, तो सोचा कि आप लोगों को थोड़ा अपडेट दे दूँ कि 2 लेक्चर ख़त्म हो गए और 2 लेक्चर बाकी है। तो अब भी लेक्चर चालू होता है, तब तक तो मैं चाय पीता हूँ, बस मम्मी को बोला चाय रखने के लिए, तो चलो चाय नाश्ता करता हूँ और साथ साथ में लेक्चर्स भी देखता हूँ। इट्स 10:28 और मेरे 10:20 को कॉलेज का 3rd लेक्चर ख़त्म हो गया था, अभी नहाने के लिए पानी रखा था, वो भी हो गया गर्म, तो अभी फटफट नहाता हूँ क्योंकि अभी 10:50 को और एक लेक्चर है, जो उसके बाद अपना 12:30 को, आज नसीब अच्छा है कि थोड़ा अच्छा सा ब्रेक मिलेगा, बिकॉज कल तो मेरा 11:50 को लेक्चर ख़त्म हो गया, तो उसके बाद डायरेक्ट 12 बजे मेरा सीएस का लेक्चर था, लेकिन आज सीएस का लेक्चर है 12:30 बजे, तो अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा, तो 40 मिनट्स का ब्रेक मिलेगा, तो अच्छा रहेगा। तो ठीक है फटफट नहा के आता हूँ, फिर मिलता हूँ। रात यादों की बारात ले आए, मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है। कमेंट करके बताओ कौन सा गाना है आप लोग सुनते हो, पुराने गाने, मतलब मैं तो बहुत सुनता हूँ, तो मेरी अगर अब मेरा फ़ोन देखोगे ना तो प्लेलिस्ट उससे ही भरी है सब पुराने गानों से, तो मुझे वही ज़्यादा पसंद, मन को शांति मिलती है, मस्त गाने रहते हैं। पहले 90s के गाने वॉज लाइक मस्त। कमेंट करके बताओ आप लोग पुराना गाना कितना पसंद करते हो आउट ऑफ 10। वॉश भी कर लिए, अभी 10 मिनट बाकी है, बस 10 मिनट के बाद कॉलेज का 4th and last lecture ऑफ द डे, और उसके बाद हम लोग करेंगे आराम। ठीक है भाई, सर मैं व्लॉग भी एडिट करता जा रहा हूँ, बिकॉज फिर कल अपलोड करना है, तो आज थोड़ा जैसे जैसे शूट करता हूँ वैसे वैसे एडिट तो करना पड़ेगा। अगर मैं अभी थोड़ा एडिट नहीं करूँगा तो रात को एक साथ बहुत सारा आ जाएगा, और कल सुबह जल्दी भी उठना है पढ़ने के लिए, तो टाइम बचा है तो एडिट कर देते साइड बाय साइड, तो उतना वर्डन कम होगा। ठीक है, क्या बोलते हो, बराबर ना, है ना? मोमेंट्स लेटर, ओ गाइस क्या कर रहे हो आप लोग? तो सर ने कि पेपर एनालिसिस करवाए थे फर्स्ट ईयर का, 2:30 या 3 बजे चले गए थे, इसलिए मैंने सोचा कि जो सर ने पेपर्स एनालिसिस करवाए हैं पास्ट पेपर के, तो हम लोग उसके भी पहले करते, तो बस मैं वही कर रहा था, तो इसमें सब मैंने लिखा है।
कि कौन से चैप्टर में से ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे नहीं आए थे, फिर लेक्चर ख़त्म हो गया उसके बाद क्या टाइम पास थोड़ी ना करते, फिर थोड़ा बहुत देखते हैं अपने से जितना होता उतना करते। तभी तो चाय नाश्ता करूँगा, मस्त कड़क मसाले वाली चाय पीऊँगा, उसके बाद पढ़ने बैठूँगा। हाँ तो अभी मैं पढ़ने के लिए बैठूँगा, तो अभी इस बजे है 7 और 7 to 9 में पढ़ूँगा कंपनी लॉ और 4 चैप्टर्स ख़त्म कर दूँगा आराम से। और भी जब बच्चे लोग खेल रहे हैं मस्त अपना, मेरा पढ़ के हो गया और जस्ट अभी मम्मी दही वड़े देके गई तो वो ही खाए, और अब बॉक्स बना तो और साथ में पढ़ता भी रहता हूँ। तो मैंने आपको सुबह से लेकर रात तक मैंने बता दिया कि कभी मैं पढ़ता और कभी मैं ब्लॉग शूट करता हूँ, ऐसा सब सीन होता है। तो अभी तो मैं घर पे हूँ, बाहर कहीं जाने का कुछ भी प्रोग्राम नहीं है, मेरे दिमाग में आइडियाज़ बहुत सारे हैं कंटेंट के लिए, लेकिन एग्ज़ाम है उसके वजह से मैं बाहर कहीं नहीं जा रहा हूँ, जितना हो सके उतना घर पे ही बना रहा हूँ। और आई होप कि आपको पसंद आ रहे हैं, तो अगर पसंद ना भी आए तो भी पसंद करो, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। बोल रहे थे कुछ लोग के सैटरडे को ब्लॉग क्यों आया, चैलेंज क्यों नहीं आया, तो उसके लिए भी एक वो भी एक अलग बात है, तो वो आराम से करेंगे। बैठ लेता हूँ और गद्दे भी बिछा देता हूँ क्योंकि बाहर जाने का सोचा है, तो देखते हैं अगर जाने का रहेगा तो जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नीचे जाने वाला था, तो अभी कुछ काम है इसलिए, और वो काम हो गया ख़त्म। अभी हम लोग बस में और भाई ग्राउंड मारने जा रहे हैं, उसके बाद जाएंगे घर पे। हम बोल रहे हैं कि मतलब ऐसा सोच रहे हैं कि नहीं हो सकता हमसे, हमारा कॉलेज है, हमारा ट्यूशन है, क्लासेस है, ये है वो है, तो एक्सक्यूज़ देने से कुछ नहीं होता। अगर आपको जो चीज़ करनी है तो उसके लिए भी टाइम निकालना पड़ता है, जैसे कि मैं अभी निकाल रहा हूँ, वरना जैसे मैं CS कर रहा हूँ, बी कॉम कर रहा हूँ, तो वैसे मेरे पास तो टाइम बिल्कुल नहीं बचना चाहिए और मेरे पास रहता भी नहीं है। बट द थिंग इज़ कि ये चीज़ मुझे करनी पसंद है, तो क्यों ना करे। अगर मतलब जो काम आपको करना पसंद है तो वो करना ही चाहिए, लेकिन अपने एक्सेस टाइम पे, बिकॉज आप अगर पढ़ाई कर रहे हो फर्स्ट प्रायोरिटी पहले पढ़ाई को दो। मेरे भाविक भी, उसको भी कुकिंग करना पसंद, तो उसने भी अपनी पढ़ाई के साथ साथ उसका कुकिंग का पैशन साइड बाय साइड कंटिन्यू किया। वो 12th में था तब से वो कुकिंग का कर रहा था, तो ऐसा अलग से टाइम निकाल के, तो यही है कि अगर जो काम में मन लगता है उसके लिए टाइम निकालो अलग से और करो, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी ऑलवेज पढ़ाई करो, बिकॉज पढ़ाई इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन लाइफ। अगर आपके पास रिकॉग्नाइज डिग्री नहीं होगी तो मार्केट में आपको कोई भी खड़ा नहीं रखेगा, तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको पढ़ाई को देना। सो दिस हाउ आई मैनेज माई CS स्टडीज, BCom स्टडीज, और साथ साथ में यूट्यूब। अभी कुछ तबीयत ठीक नहीं रहती है तो एक आध दिन गैप हो जाता है, वरना तो मैं रेगुलरली अपलोड करता हूँ। तो आप जो भी कर रहे हो, कंसिस्टेंट पढ़ाई में, आपकी हॉबी में, पैशन में। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा कोई भी रीजन से और यहाँ तक देख लिया तो लाइक किए बिना मत जाना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी दबा देना। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी ब्लॉग के, तब तक के लिए बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।